हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। आज हम लोग वीडियो ये बना रहे हैं हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट पे एंड देयर आर स्पेसिफिक रीजंस व्हाई मेकिंग इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 9 PM पे वी आर गोइंग लाइव टुडे एंड दैट इज आवर वीकली बेसिस, वी गो डू इट ऑन संडेज। आज हम बात करेंगे कि VIT का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उससे रिलेटेड बात करेंगे। देन वी विल डिसाइड अपॉन की JIIT वर्सेज SNU, शिवनादर यूनिवर्सिटी वर्सेज JSS, आपको क्या लेना चाहिए। एंड प्लस शिवनादर का जो दूसरा कॉलेज है SSN, हम उसको भी देखेंगे। प्लस JP का जो एक कॉलेज सोलन में है, हम उसको भी देखेंगे। ये आज हम लोग 9 o'clock पे लाइव जा रहे हैं। सो टू गिव अस अ मोटिवेशन, डू हिट लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, क्योंकि दिस हेल्प्स अस यू नो टू कीप मोटिवेटेड एंड मेक गुड वीडियोज फॉर यू। आज हम लोग इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं बिकॉज जैसे जैसे कैंसिल हो रहे हैं एग्जाम, जैसे जैसे कैंसिल हो रहे हैं, तो मैंने देखा है लोगों ने कम फॉर्म्स भरे हुए हैं, काफी कम फॉर्म्स भरे हुए हैं। यू नो देव जस्ट मेड कि बस JEE मेंस का भर दिया है और उसके बाद उन्होंने BITSAT का भर दिया है और कॉमेट के का भर दिया है। दीज आर नॉट इनफ, आपको थोड़े से और फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। नॉर्मली ये इनफ रहता बट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग कि वो कैंसिल कर रहे हैं बहुत से एग्जाम्स, तो वी हैव टू बी श्योर कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहे। तो ये चेन्नई का एक कॉलेज है जिसको हम आज चेकआउट करेंगे। काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है वहां पे। उस स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने MTech किया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन जर्मनी से एंड आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग करियर काउंसलिंग सिंस द लास्ट 4 years, दैट इज आई स्टार्टेड इन 2016। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेंजेस इन एग्जाम देखते हैं, हम रैंकिंग देखते हैं हिंदुस्तान की कैसी है, फैकल्टी के बारे में बात करते हैं जो यहाँ की काफी अच्छी है, लास्ट डेट क्या है, इनका प्लेसमेंट कैसा है एंड व्हाट इज द फीस दैट दे आर चार्जिंग। तो our services include that we do psychometric test, 3 tests plus career session plus mentoring. Mentoring is done for a longer period that we do hand holding for. It's for a longer period. And आपको अगर charges देखने हमारे services के तो description में दिया गया है. You can reduce the number of tests. You can just take university selection without the test or parental consultation or you can even just take career sessions. The rates are given in the description below. These are the tests that we conduct. And the reliability and the validity has been tested for over 10,000 subjects. So first and foremost, change in exam, ye ho raha hai ki there are a lot of colleges like VIT, Thapar, which are cancelling their entrance exam or just saying that they will take the admission on the basis of 12th marks and giving preference to mains exam. Preference ye hai aur kahin logon ne weightage bola hai. To ye change hone se ye hua hai ki if you have filled less number of forms, तो आपका फिर सब कुछ 12th पे ही डिपेंड करने लग जाएगा अगर आपने कम नंबर ऑफ फॉर्म्स फिलअप किए। तो द मोर नंबर ऑफ फॉर्म्स यू फिल अप, द मोर चांसेस यू विल हैव दैट यू विल गेट एन एडमिशन बिकॉज ऑफ दीज कैंसिलेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कम होती जाएगी, तो नंबर ऑफ कॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। रैंकिंग की बात करते हैं, द रैंकिंग ऑफ दिस कॉलेज is 107, तो ये टॉप 200 कॉलेजेस में आता है इंडिया के आउट ऑफ 1000 कॉलेजेस। तो ये काफी अच्छी रैंकिंग है, इट्स नॉट बैड, इट्स अ गुड रैंकिंग। और इसमें क्योंकि ये चेन्नई में है सो इट इज लोकेटेड ऑल्सो एट अ वेरी गुड प्लेस। इसके प्लेसमेंट परसेंटेज बता रहा है कि ये ठीक ठाक और काफी अच्छा एक कॉलेज है। यूपी से कंपेयर करें तो यूपी के टॉप कॉलेजेस जितना प्लेसमेंट ये दे रहा है। हम लोग इसको, ये फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बीटेक एरोस्पेस, BSc Avionics और BSc Aircraft Maintenance Engineer, इस तरह के courses बाकी जगह नहीं है। Aerospace Engineering फिर भी कुछ जगह आपको मिल जाएगा कहीं कहीं पे, for example आपको SRM में मिल जाएगा ऑटोमोबाइल के साथ, आपको मणिपाल में मिल जाएगा, आपको PEC में मिल जाएगा एंड Aerospace आपको जो है फिर इसमें UPES में मिल जाएगा। बट Aeronautical Engineering थोड़ा मुश्किल है मिलना एंड दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस जो एयरक्राफ्ट या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग देता है। और इसमें भी स्पेशलाइजेशन देता है इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एरोडायनेमिक्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, विच यू कैन डू इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड दैट्स अ सर्टिफिकेट कोर्स। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, तो अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन गेट द इक्वली गुड जॉब्स। एवियोनिक्स तब आप लीजिए जब आपको ECE में इंटरेस्ट है, तो अगर आपको ECE विद मैकेनिकल चाहिए तो आप एवियोनिक्स ले सकते हैं। इनके जो CS के फैकल्टी हैं उसके जो लिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, डिस्क्रिप्शन में है एक PDF है उसमें आप देख सकते हैं। एंड जो इनके एरोस्पेस का है वो भी मैंने लिस्ट लगा दी है फैकल्टीज की, तो वो डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेन थिंग मैं बता दूं कि इनके वहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत हाई है, बहुत हाई है इन द सेंस
एक टीचर पे, एक टीचर पे बहुत कम बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एरोस्पेस में बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 टीचर्स हैं और बच्चे जो हैं तकरीबन 150 के करीब हैं केवल। तो हर एक टीचर पे जो हो गया 1:3 का रेशियो हो गया और इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो 1:10 का है। तो देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कि अगर बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो दे विल लर्न अ लॉट बिकॉज उनको जो है एक स्पेशल अटेंशन मिलेगा। एंड सिमिलरली सीएससी में भी है, सीएससी में थोड़ा कम होगा, 1:10 तक हो जाएगा, जबकि 1:10 बहुत अच्छा माना जाता है। दो कॉलेजेस ये फॉलो नहीं करते बट यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। लास्ट डेट जो इनकी एप्लीकेशन की है वो इनकी साइट पे दी हुई है, आप जाके देख भी सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है ये। तो 31 जुलाई जो है इनकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। तो जिन लोगों ने भर दिया है ऑलरेडी वो उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन्होंने नहीं भरा है वो अभी भर दें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि एलपीयू ऑलरेडी काफी एडमिशन ले चुका है, एसएनयू काफी एडमिशन ले चुका है। प्रॉब्लम विद एसएनयू ये थी कि सैट दिए हुए जो बच्चे थे जो यूएस जाने वाले थे वो बहुत से बच्चे एसएनयू में जा रहे हैं, बहुत से बच्चे मणिपाल में जा रहे हैं, तो आपको वो सीट्स अब कम हो जाएंगी। एंड तकरीबन सैट देने वाले कुछ नहीं तो 1500 से 2000 तक के तो बच्चे होंगे, ये भी मैं एक बहुत लिमिटेड गैस लगा रहा हूँ। तो एलपी हो गया, एसएनयू हो गया, चितकारा हो गया, ये सब लोगों ने अपना एडमिशन शुरू कर दिया है और ये लोग ले रहे हैं। एसएनयू तो 3 राउंड ऑलरेडी ले चुका है और उसके बाद ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, ये सब एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर आपने इन सब के फॉर्म्स नहीं भरे, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप एटलीस्ट अब हिंदुस्तान का फॉर्म भर दीजिए या फिर कोई और कॉलेजेस का भर दीजिए। प्लेसमेंट की इनकी बात कर लेते हैं तो इनका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 70% के करीब है, लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा हो सकता था क्योंकि इनके 150 स्टूडेंट्स जो है हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, जो काफी एक अच्छा बड़ा नंबर है। तो एक काफी अच्छा बड़ा नंबर है क्योंकि जितना इनका स्टूडेंट्स है उसमें से इतने स्टूडेंट जाना थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि जो बाकी के कॉलेज हैं जिनके वहाँ उतने ही स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने जितने स्टूडेंट्स इनके वहाँ हैं, तो ज्यादातर उनके वहाँ से 50 to 70 स्टूडेंट्स जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट डबल है। तो हम ये मान के चल सकते हैं सेफली कि अगर इनमें से कई बच्चे तो बैठे नहीं होंगे, अगर बैठते तो उन्हें भी प्लेसमेंट मिल जाता, क्योंकि ज्यादातर जो हायर स्टडीज एमटेक के लिए जाते हैं या फिर एमबीए के लिए जाते हैं वो एक अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, एक अबव एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो हम इसे सेफली 75% के अराउंड मान सकते हैं कि आपका प्लेसमेंट होने के चांसेस हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे 78% दिया हुआ है, बट वो एनआईए इन्होंने थोड़ा सा उसी को लिया है जिन्होंने रजिस्टर किया है फॉर प्लेसमेंट। एंड वही मैं भी कह रहा हूँ सेम चीज कि जिन्होंने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया, अगर हम वो लेते हैं तो 75% के करीब करीब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। कंपनीज अच्छी आती हैं, मतलब अबव एवरेज अच्छी कंपनीज आती हैं, ऐसे प्रोफाइल्स के लिए नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर एंड जिस तरह की चीजों के लिए हमारे वहाँ यूपी में कॉलेजेस में आती हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर के लिए आ गए या फिर बहुत ही लो प्रोफाइल के लिए आ गए, ऐसा नहीं आएगा। दे विल बी गेटिंग गुड कंपनीज, अमेजोन भी आई है, बट जो उन्होंने लिया है वो एमबीए के स्टूडेंट को लिया है और अर्नेस्ट एंड यंग भी इनके वहाँ आई है एंड इन्होंने भी एमबीए के स्टूडेंट को लिया है, बट यहाँ पे जो बीटेक के स्टूडेंट है उनकी भी अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं। इनकी फीस के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा ऑन द हायर साइड है। तो अगर आप सीएससी लेना चाहते हैं तो इनकी 2,80,000 है और फिर 2,25,000 के करीब है, तो टोटल जो इनकी फीस आ जाएगी वो आ जाएगी 10 लाख के करीब आ जाएगी। आपकी टोटल कॉस्ट टोटल जो है 10 लाख के करीब आ जाएगी, प्लस इसमें आप मान लीजिए आपको ये 13 लाख के करीब पड़ जाएगा। बट ये ऑन द सेफर साइड में बोल रहा हूँ, आप ये रख के चलिए कि बाई चांस अगर आपने केवल वीआईटी एसआरएम ही टारगेट किया है और उन्होंने अपना एग्जाम अगर कैंसिल कर दिया और 12 के बेसिस पे ले लिया, तो आपको और फिर कॉलेजेस चाहिए होंगे जो उनके जैसे हैं। तो इनका एग्जैक्टली प्लेसमेंट परसेंटेज वीआईटी एसआरएम जैसा नहीं है, बट हाँ जो इनकी मीडियम सैलरी है, मैं मीडियम सैलरी यहाँ पे नहीं बताई, तो प्लेसमेंट में इनकी जो मीडियम सैलरी है दैट इज 3.25 लाख पर एनम, जो अगर वीआईटी से आप कंपेयर करो तो वीआईटी की 5.5 है और अगर एसआरएम से कंपेयर करो तो उसकी भी 3.25 है। तो प्लेसमेंट जितना मिलना है एवरेज वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड बाय चांस अगर ये दोनों एग्जाम आप नहीं दे पाए, 12th के मार्क्स में आप नहीं हो पाया, तो देन हिंदुस्तान इज अ थिंग विच यू कैन टेक। अगर आपको बायोटेक, केमिकल, सिविल, ट्रिपल ई, आईटी लेना है, देखिए आईटी की थोड़ी कम हो गई है फीस, तो आईटी भी आप ले सकते हैं, तो आपको ये आराम से जो है 8 लाख आपको 11 लाख में 11 लाख में टोटल मिल जाएगा, 11 लाख में आपको टोटल ये कोर्स हो जाएगा। तो दिस इज अ गुड थिंग। वहीं पे आपको जहां वीआईटी में फर्स्ट कैटेगरी में आप होते तो आपको 14 लाख से करीब लगता, वहीं एसआरएम में भी 14 to 16 लाख आप एक मान सकते हो रफ अप्रोक्सीमेशन। तो यहां दोनों जगह ही इक्विवेलेंट ही है। सो ये जो था मैं उसको समराइज कर दूं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइक जरूर करिएगा मेरे चैनल को,
और सॉरी मेरे इस वीडियो को, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो दैट वी कैन ऑल्सो ग्रो, हम भी मोटिवेटेड रहें. चेंजेस इन एग्जाम थापड़ VIT एंड वगैरह वगैरह सब लोग धीरे धीरे चेंजेस अनाउंस कर रहे हैं. इसकी जो रैंकिंग है 107 है, विच इज गुड इनफ. थर्ड, इसकी जो फैकल्टी है बहुत सारी फैकल्टीज हैं, तो प्रोबेबिलिटी की एक गुड फैकल्टी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका काफी ज्यादा फैकल्टी है. जो इनका लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है. इनका जो प्लेसमेंट है वो 70% है विद 3.25 जो SRM का भी मीडियम सैलरी है. और जो इनकी फीस है वो 2.29 से 3.3 लाख तक है. तो दिस इज द फीस जो आपको देनी होगी, एंड टोटल आप समझ सकते हैं कि आपको ये 11 लाख से 13-14 लाख तक का पड़ेगा, विच इज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट VIT, SRM एंड मणिपाल. तो अगर आपको वहां नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं. हमारे चैनल पे आपको कॉलेज रिव्यूज मिलेंगे जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, फैकल्टी के बारे में बताते हैं, सैलरीज के बारे में बताते हैं, एंड वहाँ का रिसर्च स्टैंडर्ड्स के बारे में भी हम लोग बताते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड डू रिमेंबर कि 9 o'clock एवरी संडे वी डू अ लाइव वीडियो. एंड आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे JIIT वर्सेज JSS वर्सेज SNU एंड वर्सेज यू नो डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ SNU दैट इज SSN एंड डिफरेंट कॉलेज ऑफ JIIT दैट इज JP Solan. So thank you very much. Hit like and subscribe to our channel.